अयोध्या को सजाया जा रहा है, शहर की सड़कों को भी चमकाया जा रहा है। जश्न का माहौल है क्योंकि सदियों के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या में मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें कि पीएम मोदी विकास योजनाओं को रफ्तार देने अयोध्या पहुंचे और उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत भी किया गया। नमस्कार, मैं हूँ संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश इंतजार में है। हर कोई सामने से एक बार भगवान राम के दर्शन करना चाहता है। किसी ने पहले से ही होटल बुक कर लिया है तो कोई ट्रेन की तत्काल बुकिंग भी कराने की रेडी में है। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर की कड़ी निहंग सिखों से जुड़ी नजर आती है। अयोध्या से जुड़ी इस 165 साल पुरानी कहानी से पता चलता है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोग भी राम की प्रतिष्ठा पर आँच न आने के लिए चिंता किया करते थे। जानकारों की अगर माने तो सिखों के इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि अयोध्या में सबसे पहले बाबरी मस्जिद में विद्रोहियों के घुसने की जो घटना घटी थी वो हिंदुओं के द्वारा नहीं घटी थी बल्कि सिखों ने की थी। श्री राम जन्मस्थान के करीब ही अयोध्या में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड। इसी गुरुद्वारे में सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह यहाँ आकर ठहरे थे। यह घटना लगभग 165 साल पहले की है। इतिहास के उस काल में निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद में घुसकर जगह जगह पर राम का नारा लिखा था और यह साबित करने की कोशिश की थी कि यह श्री राम के जन्म का स्थान है। इसके बारे में न सिर्फ सिख ग्रंथों में जिक्र है बल्कि इतिहासकार भी इस बारे में जानकारी देते हैं। बता दें कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद में 1858 में नवंबर महीने में निहंग सिखों ने सबसे पहले घुसकर रामलला के जन्मस्थल पर पूजा पाठ और हवन किया था। अब निहंग सिखों के वंशज राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर यहां लंगर चलाएंगे। निहंग सिखों की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने कहा कि वह अयोध्या में लंगर लगाकर भगवान राम के प्रति अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। बाबा हरजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं। उन्होंने कहा कि वह निहंग सिखों के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में लंगर चलाएंगे और देश विदेश से आने वाले भक्तों की सेवा करेंगे। दस्तावेजों के मुताबिक नवंबर 1858 में निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 25 निहंग सिख अयोध्या में बाबरी मस्जिद में घुस गए थे और उसमें हवन किया था। इसके अलावा निहंगों ने मस्जिद की दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था और भगवा झंडा फहरा दिया था। इसके बाद बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन की शिकायत के बाद 30 नवंबर 1858 को अवध पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी ने 25 निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इतिहासकार रवि भट्ट बताते हैं कि एक सिख निहंग थे बाबा फकीर सिंह जी, जो अपने साथियों के साथ राम मंदिर चले आते हैं और दीवारों पर राम राम लिख देते हैं। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसके ऊपर भगवान राम की मूर्ति रख दी जाती है। 28 नवंबर 1958 में थानेदार ने FIR लिखी थी। इस तरह सिखों ने आज से 150 से 200 साल पहले विद्रोह कर दिया था ताकि राम मंदिर बन सके। कहा जा सकता है कि उस समय यह आंदोलन ना हुआ होता तो राम मंदिर नहीं बन रहा होता। राम जन्मभूमि पर उस समय बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था जिसे साल 1992 में तोड़ा गया था। इस घटना ने 9 नवंबर 2019 को सबका ध्यान राम मंदिर की ओर खींचा जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 1858 में घटी इस घटना का जिक्र भी किया था। बाबा हरजीत सिंह ने मीडिया से कहा कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और मैं केवल सनातन परंपराओं का वाहक हूँ। निहंगों और सनातन धर्म के बीच सद्भाव बनाए रखने के दौरान मुझे आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि एक तरफ मैं अमृतधारी सिख हूँ लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनता हूँ। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह बाबा फकीर सिंह के 8वें वंशज हैं। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज भी भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते थे, ये उनका भी है। इसलिए वह 10 जनवरी से अयोध्या में लंगर लगाएंगे जो 2 महीने तक लगातार जारी रहेगा। इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर
आज हम आजादी के अमृतकाल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। बहुत सुंदर बात करते हैं। एक एक शब्द जो प्रधानमंत्री जी का है वो अमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक जीवन है और ऐतिहासिक क्षण है, जब कि भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की होगी। उस दिन हमारे सभी देशवासियों प्रकाश करें और दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि भगवान राम का जो उदय होता है, जैसे सूर्य का उदय होता है अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से यदि देशवासियों ने इस प्रधानमंत्री जी के निर्देशन को पूरे देश में हर घर में अपने अपना दीपक जलाया, तो पूरा जो हमारे यहाँ अंधकार है, ये द्वेष का अंधकार है, और हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं वो सबका समाधान हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होने से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार से दीपक जलने तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सारा देश प्रकाशित हो जाएगा और नई ऊर्जा उनको मिलेगी और नया भावना पैदा होगी। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा, मातृका पूजा, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजा के साथ औपचारिक अनुष्ठान शुरू होंगे। 19 जनवरी को पवित्र अग्नि जलाई जाएगी, इसके बाद नवग्रह की स्थापना और हवन किया जाएगा। 20 जनवरी को सरयू जल के राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह को धोया जाएगा, जिसके बाद वास्तु शांति और अन्नाधिवास अनुष्ठान किया जाएगा। 21 जनवरी को रामलला की मूर्ति को 125 कलशों के जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद आखिरी दिन 22 जनवरी को सुबह की पूजा के बाद दोपहर में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला के विग्रह का अभिषेक किया जाएगा। भगवान राम का अभिषेक 16 जनवरी से शुरू होगा, जो 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सरयू नदी के तट पर दशविधि स्नान, विष्णु पूजा और गायों को प्रसाद दिया जाएगा। 7 जनवरी को रामलला की मूर्ति के साथ एक जुलूस, जिसमें भगवान राम को 5 साल की उम्र में दर्शाया गया है, अयोध्या पहुंचेगा। श्रद्धालु मंगल कलश में सरयू नदी का जल लेकर राम जन्मभूमि मंदिर भी पहुंचेंगे। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह देखते रहिए जनभावना टाइम्स।